अम्मा समोसे रख देना। अच्छा रानी गर्मा गर्म है समोसे। अच्छा तू ये कर, मिठाई मंगवा और पूरे मोहल्ले में तकसीम करवा दे। मिठाई रहने दो अम्मी, दुल्हन को तो घर आ लेने दो, मुझे तो ना बड़े चालाक लग रही थी वैसे। पूरी मीसनी लग रही थी, मीसनी देखा नहीं, खामोशी से कोने में सब पे नजर रखे हुए थी। रानी तू ऐसा कर, शहजाद का कमरा साफ कर दे और उसका वो जो पुराना फर्नीचर है ना सारा कमरे में, अलमारी बेड सब चीजें निकाल देना। अम्मी बेड निकाल दिया तो दुल्हन के जमीन पर सोएगी। पागल है तू, अब शादी की है तो खाली हाथ लटकाती तो नहीं आएगी ना, जहेज तो लाएगी। और सुन, उसकी माँ को देखकर लग रहा था थोड़ा जहेज मिलेगा। वैसे अम्मी ज्वेलरी देखी थी आपने, वो जो दुल्हन ने पहनी भी थी, दोनों माँ बेटियां सोने में पीली हुई हुई थी। अरे अम्मी मेरी ज्वेलरी का मसला तो हल हो गया, इसी बात पे आप समोसे खाएं। हाँ तो सारे तू खा जाएगी, इधर दे ये एक उठा ले, एक एक बाकी मेरे। हाँ हाय किस्मत, जिंदगी का सफर कहां से शुरू हुआ और कहां खड़ी हूं मैं आज, बिल्कुल तन्हा। कोई साथ नहीं है मेरे और ये वक्त भी जाने क्यों वो मेरे हाथों से निकला जा रहा है। नहीं, मैं अपनी जिंदगी को कड़वी यादों और पछतावों की नजर नहीं होने दूंगी। मेरा वक्त अब भी मेरे मुट्ठी में है। मैडम, मैम ने आपके घर की रकम भिजवा दी आपके अकाउंट में, प्लीज देखिए। शरीफा बी, शरीफा बी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोया ने खाना खा लिया? जी हाँ नहीं, अभी भी जोया बीबी ने खाना भी खा लिया और खूब सोई हुई हैं, और मैंने स्कूल का काम भी करवा दिया था। शुक्रिया शरीफा बी, आपका मैं बहुत सहारा है शरीफा बी, आप ना होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती। जोया कहाँ है? जी सोई हुई है वो। अच्छा जोया, ये कुछ सामान है ये आप किचन में रख दीजिए। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या लेके आई है? मैं बहुत मज़े मज़े की चीज़ें तुम्हारी पसंद की। दानियाल भाई नहीं आई आपके साथ? दानियाल भाई क्यों आएंगे, मैं ऑफिस की गाड़ी में आई हूँ ना। हाँ तो उन्हें भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लेते। एम्प्लॉयज की गाड़ी में मालिक नहीं बैठते। मुझे तो दानियाल भाई बहुत अच्छे लगते हैं, और आपको? हाँ अच्छे हैं। जाओ तुम शरीफा भी से चॉकलेट ले लो। ठीक